अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम जो हैं ये कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बने हैं। ठीक है, जब हम क्रोमोसोम्स को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं इनमें डीएनए एंड प्रोटीन्स दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये डीएनए से और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। डीएनए 40% प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स के अंदर और प्रोटीन 60% प्रेजेंट होती है। इसके अलावा डीएनए और प्रोटीन के अलावा आरएनए भी एसोसिएटेड होता है क्रोमोसोम्स के साथ। ठीक है, मेजरली तो डीएनए एंड प्रोटीन ही प्रेजेंट है क्रोमोसोम के अंदर, लेकिन इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी में ये भी देखा जाता है कि आरएनए भी पाया जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। तो ये जो आरएनए है इसका पर्पस क्या है क्रोमोसोम्स के अंदर, चैप्टर में आगे चल के जब हम प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का, तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह से क्रोमोसोम से जो है वो आरएनए की कॉपी प्रिपेयर की जाती है और फिर उस आरएनए से जो आगे फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो बेसिकली जो आरएनए एसोसिएटेड है क्रोमोसोम के साथ वो उसकी कंपोजिशन का तो पार्ट नहीं है, लेकिन वो जो आरएनए है वो वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है, आरएनए प्रिपेयर हो रहा होता है, और उस आरएनए का मकसद जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करना है आगे चल के। ठीक है, तो आरएनए जो क्रोमोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होता है वो कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन का पार्ट नहीं है क्रोमोसोम की, लेकिन वो जो आरएनए है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए जो है एक लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है जो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, एक लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, अनब्रोकन पार्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है जो क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है। एक डीएनए के अंदर ऑलमोस्ट 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम की अगर हम कंपोजिशन पढ़ें तो हमें पता चलता है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है एंड प्रोटीन है। अब उस डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में, एक डीएनए में 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें राइबोस शुगर होती है, उसमें नाइट्रोजनस बेस होती है और उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स एक चेन में, एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो एक डीएनए के मॉलिक्यूल में ऑलमोस्ट 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिनको 1.4×10⁸ भी बोल सकते हैं हम। एक डीएनए के अंदर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि उस इंफॉर्मेशन से हम 280 बुक्स फिल कर सकते हैं। उस इंफॉर्मेशन से 280 बुक में से अगर हर बुक में 1000 पेजेस हों और हर पेज में 500 वर्ड्स हम लिखें, तो हम 280 पेजेस तक एक डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन हो सकती है कि जिससे 280 बुक्स फिल की जा सकती है। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, इतना ज़्यादा डाटा एक डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। एक क्रोमोसोम की अगर हम लेंथ की बात करें, हम जानते हैं कि जो ह्यूमन स्पीशी है उसमें 46 टोटल क्रोमोसोम्स हैं, और उन 46 में से अगर हम एक क्रोमोसोम की लेंथ की बात करें तो ये जो उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर तक बनती है, और ये हम सिर्फ 46 में से एक क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। अगर हम 46 क्रोमोसोम की लेंथ फाइंड करें, देन हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं, तो उन ट्रिलियन ऑफ सेल्स में सबके अपने अपने 46 क्रोमोसोम और हर क्रोमोसोम की 5 सेंटीमीटर लेंथ। तो अगर हम एज अ होल जितना भी डीएनए हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसकी लेंथ फाइंड करने लगें तो शायद हम उसकी लेंथ को मेजर ही ना कर सकें। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में डीएनए हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो किस तरह इतना ज़्यादा, इतना लेंथी डीएनए सेल्स के अंदर फिट आ जाता है। वो सेल्स जो खुद माइक्रोस्कोपिक हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप से नज़र देखते हैं, जिनका खुद का साइज़ इतना स्मॉल है, तो उनमें किस तरह ये 46 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर इस तरह से फिट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें एक क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करें, तो उसका हमने स्ट्रक्चर की डिटेल
जब हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि वो जो डीएनए है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है ताकि वो इतने स्मॉल सेल के अंदर फिट आ सके। डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो क्रोमोसोम, हमने कहा कि क्रोमोसोम में डीएनए एंड प्रोटीन्स पाई जाती हैं, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो है लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। इसको अगर हम फर्दर देखें, जैसे कि हमने एक कंपोजिशन में पढ़ा कि क्रोमोसोम में डीएनए भी है और प्रोटीन्स भी हैं, तो कौन से वाली प्रोटीन्स हैं जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होती हैं? डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स ये आपको बीड्स की फॉर्म में प्रोटीन्स नज़र आ रही होंगी ब्लू कलर की, तो ये हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स के ऊपर हमारा ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये इस तरह से लपेटा गया होता है, जिस तरह से बीड्स के ऊपर हमने डीएनए को लपेटा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें ओवरऑल इस तरह से लुक देता है जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ बीड्स है, यानी कि मोतियों की एक लड़ी है, ठीक है। तो ये जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, अगर हम 8 हिस्टोन प्रोटीन्स देखें तो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर जो डीएनए, जितना डीएनए उसके ऊपर लपेटा हुआ होता है उसमें ऑलमोस्ट 200 न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जिसके ऊपर डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो लपेटा हुआ है, और 8 हिस्टोन प्रोटीन को ऑलमोस्ट 200 न्यूक्लियोटाइड जो है वो कवर कर लेती है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं, न्यूक्लियोसोम 8 हिस्टोन प्रोटीन्स और 200 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए जो है वो लपेटा होता है और ऑलमोस्ट 8 हिस्टोन प्रोटीन्स को 200 न्यूक्लियोटाइड्स कवर कर लेती है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो ये होती हैं नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। जितनी भी बाकी प्रोटीन सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो सब नेगेटिवली चार्ज होती हैं, लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज हैं और डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं, हमें पता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, और हर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमें पता है, उसमें राइबोस शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और जो न्यूक्लियस हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस हो गए, हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्जेस, तो ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी अट्रैक्शन की वजह से जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस तरह से उसके ऊपर वाइंड होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास इस तरह से, बहुत सारी हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर हमारा जितने भी वो डीएनए की लेंथ होती है वो सारा का सारा डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर वाइंड होता है, ठीक है। फिर यही जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है ये फर्दर फिर पैकिंग की फॉर्म में आ जाता है, यानी कि जितने न्यूक्लियोसोम जो है वो सब आपस में टाइटली पैक्ड होंगे, जिस तरह से हमें ये नेक्स्ट डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो ये जो टाइटली पैक्ड न्यूक्लियोसोम्स हैं, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स आपस में पैक्ड हैं, तो वो हमें क्रोमाटिन की फॉर्म में नज़र आते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है तो हमारा जो डीएनए है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमाटिन की, यानी कि फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो वो जो क्रोमाटिन है वो किससे मिलके बना, वो उन्हीं न्यूक्लियोसोम की टाइटली पैकिंग से बना, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम जब आपस में टाइटली पैक हुए तो वो हमें क्रोमाटिन की फॉर्म में दिखाई देते हैं। अब ये क्रोमाटिन जो है ये फर्दर जब सेल डिवाइड करता है, ये क्या करते हैं आपस में सुपर कॉइल कर जाते हैं, यानी कि ये जो एक क्रोमाटिन का कॉइल है तो जितना भी क्रोमाटिन है न्यूक्लियस के अंदर वो सुपर कॉइलिंग करेगा, यानी कॉइल जो है वो फर्दर कॉइल्स शो करेंगे, जिस तरह से हमें स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है कि कॉइल के अंदर भी कॉइल्स बने हुए हैं, ठीक है। तभी तो जो डीएनए है वो हम बोल रहे हैं कि इतना टाइटली पैक्ड है कि कॉइलिंग की फर्दर कॉइलिंग हुई हुई है, ठीक है। तो ये जो सुपर कॉइलिंग है ये सुपर कॉइल्स मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसमें क्या होता है सेंटर में सेंट्रोमियर होता है और उसके आर्म्स होते हैं जिनका हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है।
फिर से रिपीट कर लेते हैं हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर को कि किस तरह से इसके अंदर सुपर कॉइलिंग हो रही है और इतना एक लेंथी डीएनए जिसकी इतनी ज़्यादा लेंथ है वो किस तरह एक स्मॉल से न्यूक्लियस के अंदर फिट आ जाता है। तो हमने कहा कि डीएनए का जो एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर वाइड किया होता है, 8 हिस्टोन के ऊपर ऑलमोस्ट 200 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो वो जो इनको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम फर्दर आपस में सुपर कॉइलिंग पैकिंग शो करेंगे और क्रोमाटीन की फॉर्म में आ जाएंगे और क्रोमाटीन जो है इसकी फर्दर सुपर कॉइलिंग होगी और सुपर कॉइल्स मिलकर बना देंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर होता है वो 46 क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें क्रोमाटीन की तो क्रोमाटीन हमारे पास दो तरह का होता है न्यूक्लियस के अंदर, एक को हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमाटीन और एक को हम बोलते हैं यूक्रोमाटीन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों टाइप के क्रोमाटीन में? हम जानते हैं कि जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है तो हमारा डीएनए मटेरियल जो है वो क्रोमाटीन की यानी कि फाइबर्स की फॉर्म में होता है और जैसे ही सेल डिवाइडिंग फेज में आता है नॉन डिवाइडिंग फेज में फाइबर्स की फॉर्म में और जब सेल डिवाइडिंग फेज में आया तो वो जो क्रोमाटीन्स हैं जो क्रोमाटीन है हमने कहा सुपर कॉइलिंग शो करेंगे और वो कम्पैक्ट होकर हाईली पैक्ड होकर वो क्रोमोसोम की शेप में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हेट्रोक्रोमाटीन है ये ऐसा पार्ट है क्रोमाटीन का जो कभी भी अनपैक नहीं होता, ये हमेशा पैक्ड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है, यानी कि ये परमानेंटली कंडेंस्ड होता है। लेकिन जो यू क्रोमाटीन है ये वो हिस्सा है क्रोमाटीन का जो सिर्फ तब पैकिंग शो करेगा, तब कंडेंस होगा जब सेल ने डिवाइडिंग फेज में आना, जब सेल ने डिवाइड करना है, जब हमारा क्रोमाटीन कन्वर्ट होगा क्रोमोसोम्स में, ठीक है। तो क्रोमाटीन के दो तरह का क्रोमाटीन होता है, एक ऐसा क्रोमाटीन जो हमेशा ही पैक्ड रहेगा, कंडेंस्ड रहेगा, चाहे सेल डिवाइडिंग फेज में है चाहे नॉन डिवाइडिंग फेज में है। लेकिन यू क्रोमाटीन ऐसा क्रोमाटीन है जो सिर्फ तब कंडेंस होगा, तब पैक होगा जब सेल ने डिवाइडिंग फेज में आना है, ठीक है। तो जब हमारा क्रोमाटीन मटेरियल कंडेंस होता है उसके जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जीन्स सिर्फ तब ही एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हमारा डीएनए अनपैक्ड होता है, अनकंडेंस्ड होता है, ठीक है। जब हाईली पैक्ड हाईली कंडेंस्ड हो जाएगा तो फिर जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अपनी जीन्स जो हैं वो किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? अपनी रिलेटिव प्रोडक्ट बना के। तो जीन्स जो हैं वो तब तक अपना असर नहीं, हम सिंपल वर्ड्स में इसको बोल सकते हैं, तब तक अपना असर नहीं दिखा सकते जब तक वो अनकंडेंस्ड अनपैक्ड कंडीशन में ना आ जाए। तो हेट्रोक्रोमाटीन जो है ये परमानेंटली कंडेंस्ड है, इसका मतलब है कि इसके जीन्स कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो यू क्रोमाटीन है ये सिर्फ तब कंडेंस होता है जब सेल ने डिवाइडिंग फेज में जाना है, अदरवाइज ये अनकंडेंस्ड होता है और तब इसके जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। Thank you so much. That's all for today.